मैं मेजर एलएन जोशी हूँ। हम लोग एक इंडियन आर्मी की छोटी सी यूनिट है जिसको गंगा टास्क फोर्स हम लोग बोलते हैं। हम सब लोग गंगा टास्क फोर्स के नुमाइंदे हैं और उसी हम लोग जो भारतीय सेना की जो टुकड़ी है ये गंगा की सफाई और उससे जुड़े बहुत सारे कार्यों के लिए रेज की हुई है। तो उसी क्रम में हम लोग यहाँ पे जो हमारी 80 नदी है जिसको हम 80 नाला बोलते हैं उसको रेमेडिएट करने के क्रम में ये प्रोग्राम अपना जो कार्य है उसको शुरू किया हुआ। सर आज क्या कर रहे हैं आप लोग? देखिए जैसा आप लोग देख सकते हैं ये एक जो 80 नदी है इसका रेमेडिएशन करने का प्रारंभिक शुरुआत है। ये इसमें आप लोग देख रहे होंगे आपको सीरीज ऑफ चेक डैम्स मिलेंगे जिसमें हमने सीमेंट बैग का यूज़ करके चेक डैम्स बनाया है। बेसिकली उद्देश्य ये है कि पूरी जो 80 नदी का पानी है इसको रोका जाए अलग अलग स्ट्रेचेस पे। हम बहुत सारे चेक डैम बनाएंगे जिसमें इस नदी का पानी या नाले का पानी रुकेगा। रुकने के बाद हमारे पास बहुत सारी प्लांट की स्पेसीज हैं जो कि प्रूवन स्पेसीज हैं जिसमें केना है, वेटिबर है, जलकुंभी है। ये सारी स्पेसीज के फ्लोर्स लगा के हम इसको बायो रिमीडिएट करेंगे। कहने का मतलब है ये जो प्लांट स्पेसीज हैं ये अपने रूट्स के माध्यम से इसमें जो केमिकल्स हैं, हैवी मेटल्स हैं, सल्फेट्स हैं, फॉस्फेट्स हैं उनको एब्जॉर्ब करेंगे। तो इन अ वे इन पौधों के माध्यम से हम पानी को साफ़ कर रहे हैं, इसलिए हम इसको बायो रिमीडिएशन या फाइटो रिमीडिएशन कहते हैं। ये इनिशियल शुरुआती स्टेप है क्योंकि 80 का स्ट्रेच काफ़ी गंदा है और काफ़ी लंबा भी है, तो ये शुरुआत का स्टेप है। इसमें आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा काम अभी और होगा जिसका रिक्वायरमेंट है। देखिए ये कार्यक्रम बेसिकली ये है कि जो हमारा 80 नदी जिसको हम लोग बोलते हैं जो कि आज 80 नाले में कन्वर्ट हो गई है, उद्देश्य यही है कि ये गंदा पानी सीधे कि सीधे हमारे नदी में ना मिले, गंगा नदी में ना मिले। तो ये पानी अगर थोड़ा किसी हद तक साफ होकर नदी में मिलता है तो हमारे जो नदी में रहने वाले जीव हैं उनको फ़र्क पड़ेगा और ओवरऑल हमारी गंगा की क्वालिटी, वाटर की क्वालिटी में फ़र्क पड़ेगा। देखिए हमारे साथ बहुत सारी हमारी छोटी संस्थाएं हैं जो कि हमारे साथ जुड़ती रहती है। इसमें गंगा मित्र है, गंगा दूत है, ये सारे इसके NYK है, बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ते हैं और हमारे साथ जुड़ के इस कार्य में गंगा से रिलेटेड जो भी कार्य हैं उसमें मिलकर सारे हेल्प करते हैं। मैं चंद्रशेखर, महामना मालवीय गंगा शोध केंद्र BHU से, और ये हमारी टीम है गंगा मित्रों की जो सर के साथ मिलकर, आर्मी बटालियन के साथ मिलकर काम करती रही, पहले भी करती रही है। इस मुहिम में हम लोग सर के साथ लगे हुए हैं, हमारे गंगा मित्र की टीम लगी हुई है, कम से कम 100 गंगा मित्र हम लोग आए होंगे और लगातार हम लोग गंगा नदी पर और 80 नदी को भी लेकर जागरूक रहते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं। और इस टीम में सर सोर्स जहां पर है वहां से लेकर गंगा के मुहाने तक मिलने तक जहां संगम। मैं लेफ्टिनेंट महेंद्र यादव, 137 कंपोजिट इकोलॉजिकल टास्क फोर्स 39 गोरखा राइफल्स। जो हम 80 नदी को उसके वापस पुनः स्वरूप में लाने के लिए हम आज यहाँ पर रविदास पार्क के बगल में 80 नदी पर बायो रेमेडिएशन कर रहे हैं, और हमारे साथ में गंगा शोध केंद्र के गंगा मित्र, गंगा पहरी और एक जो यहाँ पर गुरुकुल चल रहा है इसके छात्र हमारे साथ जुड़ के, और हम इस गंगा नदी में बायो रेमेडिएशन का, गंगा नदी में जो 80 नाला मिल रहा है उसका बायो रेमेडिएशन कर रहे हैं। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ लाइव VNS से। बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।